अब ये वाला जो फोन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, इस फोन का कैमरा टेस्ट को लेके आप लोगों ने इतना ज्यादा डिमांड किया है, मोटोरोला H50 फ्यूजन का कैमरा टेस्ट मलिक जी आप करके दिखा दीजिए, तो यही चीज यहाँ पे करने आए हुए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में आपको दिखाऊंगा कि इस स्मार्टफोन से फोटोज वगैरह किस टाइप का क्लिक कर सकते हो, वीडियोज वगैरह किस टाइप का शूट कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसे करके व्लॉगिंग वगैरह करना है, व्लॉगिंग के लिए कोई स्मार्टफोन अगर आप खोज रहे हो, तो ये वाला स्मार्टफोन आप लोगों के लिए है कि नहीं। अब ये जो स्मार्टफोन है आप देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पे चार्ज कर दिया है पूरा एकदम 100%। ये देख रहे हैं आप, 100% हमने यहाँ पे चार्ज कर दिया है। तो लास्ट में ये भी बताएंगे कि भाई जब हम पूरे अच्छे तरीके से कैमरा टेस्ट वगैरह यहाँ पे कर लेंगे, फोटोज वगैरह क्लिक कर लेंगे, स्लो मोशन कर लेंगे, हर कुछ करने के बाद बैटरी भी कितना ज्यादा कंज्यूम हुआ, वो सारी चीजें लास्ट में कंक्लूजन वाले पार्ट में आपको जरूर बताएंगे। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से इतना ही है, आई नो आप लोग सब्सक्राइब तो कर देंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इत्मीनान से देखिएगा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी जो है बीच के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर कोई चीज छूट गया तो यहाँ पे खेला हो सकता है। ये वाला फोन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, इच्छा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब देखिए जहां तक बात है कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है। जो पहला कैमरा यहाँ पे दिया गया है वो 50 megapixel का मेन सेंसर है, इसमें आपको OIS का सपोर्ट दिया गया। अच्छी बात यह है कि इस बार मोटोरोला ने जो है बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन में ये बताया है कौन सा सेंसर ये लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेंसर यूज किया गया है सोनी का लाइट या 700C वाला सेंसर आपको इसके मेन कैमरे में देखने को मिल जाएगा। जो दूसरा कैमरा यहाँ पे दिया गया है वो 13 megapixel का अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर है, और उसी सेम सेंसर से आप यहाँ पे मैक्रो वीडियोस वगैरह भी निकाल पाओगे और चाहो तो सेल्फी भी खींच सकते हो, क्योंकि इसमें 32 megapixel का सेल्फी कैमरा भी दिया गया। सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में, याद रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे जो 13 megapixel का अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर दिया गया है, अल्ट्रा वाइड का तो फुटेज आपको हम दिखाएंगे ही कि वीडियोज में किस तरह का आता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ फोटोज ले लेते हैं, मैक्रो फोटोज क्लिक करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का जो है अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा यहाँ पे मैक्रो में फोटो वगैरह यहाँ पे निकाल पाएगा। तो बहुत ही छोटा यहाँ पे पत्ती है, तो यहाँ पे ये जो पत्ता है इसको हम बहुत ही ज्यादा करीब जाके और करीब जाके, अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक मैक्रो में फोटो खींचा और देखिए क्या ही ज्यादा जबरदस्त फोटो आया है, एक एक डिटेल, एक एक जो इसका स्टीम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि पत्ता देखिए कितना ज्यादा छोटा है, उसके बाद भी जो है यहाँ पे फोटो जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। कुछ और मैक्रो फोटोज यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं किस टाइप का मैक्रो फोटोग्राफी आप इसमें से कर सकते हैं। हमको तो अभी पहले फोटो में ही समझ में आ गया कि भैया इसका जो मैक्रो है ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त काम करने वाला है। तो एक और फोटो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस बार इसका लेने की कोशिश करते हैं। यार बहुत ज़्यादा शार्प फोटो आ रहा, बहुत ज़्यादा शार्प। ये देखिए दोस्तों क्या ही ज़्यादा ज़बरदस्त फोटो आया है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा फोटो। वैसे तो मैं एक दो ही मैक्रो फोटोज यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें फोटो इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है ना कि मन कर रहा है कि एक दो और फोटो खींच लेते हैं यहाँ, जिससे और भी अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा। मिल गया है फूल हमको, दूगो उधर बैठा हुआ, लेकिन उस फूल का फोटो नहीं लेंगे हम लोग, लेंगे इस फूल का फोटो, समझ रहे ना दोस्तों बोलने का मेरा मतलब। तो इस फूल का भी एक फोटो क्लिक करते हैं एकदम नजदीक से। ओ भाई प्रोसेसिंग होने के बाद क्या ही ज्यादा जबरदस्त, आप देख सकते हैं कि क्लैरिटी कितना ज्यादा अच्छा आया है यहाँ पे। तो इसमें जो 13 megapixel का अल्ट्रा वाइड वाला जो सेंसर दिया गया है ना, उससे जो आप मैक्रो फोटोज जो है बहुत ही बेमिसाल टाइप का यहाँ पे निकाल सकते हो, ये चीज का तो हम आपको गारंटी जरूर दे सकते हैं। अब दोस्तों जहां तक बात है वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा का फुटेज यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह के लिए लेना है तो ये इसका फुटेज आपके लिए यूजेबल है कि नहीं। ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हो, ये मैं इसके फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, और व्हाइट शर्ट पहनने का सिर्फ एक ही रीजन था, स्मार्टफोन का जो कैमरा होता है वो व्हाइट शर्ट को यानी कि व्हाइट रंग का कपड़े को उतने अच्छे से कलर को मैनेज नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज कर देता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि शर्ट का जो रंग है बेरंग है, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर रहा है। और साथ ही साथ जो डायनेमिक रेंज भी है फ्रंट कैमरा में, आप देख सकते हो कितना भी मैं नीचे चले जा रहा हूँ स्काई जो है काफी अच्छे से यहाँ पे विजिबल भी है। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि मोटोरोला ने इस बार कैमरा में बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि मोटोरोला का जब भी हम स्मार्टफोन यूज करते हैं और खास करके कैमरा को टेस्ट करते हैं, तो आप लोग को हमेशा हम एक ही चीज बताते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ ठीक है, लेकिन कैमरे के मामले में मोटोरोला कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। लेकिन इस बार मोटोरोला का H50 फ्यूजन में हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन भी टेस्ट कर लेते हैं, हल्का सा दौड़ लेते हैं, जिससे इसका फ्रंट कैमरा का स्टेबिलिटी का भी हम लोग को आइडिया लग जाएगा। राउंड वन करते हैं दोस्तों यहाँ से और दौड़ते हैं फटाफट से।
ये हो गया राउंड वन, अब एक राउंड टू भी कर लेते हैं। देखिए वीडियो क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ पे डे लाइट में, लेकिन जो स्टेबलाइजेशन है वो भी अच्छा आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो फुटेज को बहुत ज़्यादा क्रॉप कर दे रहा है स्टेबल फुटेज देने में, थोड़ा सा और वाइडर रहता ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। 4K रिकॉर्डिंग की जहाँ तक बात है तो ई वाला फुटेज अभी हम 4K से कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या ही बोले, हो गया भाई, सब्सक्राइब भी कीजिए इतना मेहनत के लिए, जब कर रहे हैं आप लोग तो। अब दोस्तों जहाँ तक बात है इसके अल्ट्रा वाइड के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर दिया गया, जैसे कि हमने आपको बताया। अब कितना ज्यादा यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है तो वो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा। अगर हम अपने भाई को आगे बुलाएं थोड़ा सा आगे, ये भैया कहे कि जब तक इसको हम बुलाएंगे नहीं ये आगे आता है नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए हल्का फुल्का हम यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में चल भी लेते हैं, इससे आपको स्टेबलाइजेशन का यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। अब देखिए जहां तक बात है अल्ट्रा वाइड के बारे में, डे लाइट के कंडीशन में मान लीजिए कि इस टाइप का अगर लाइटिंग कंडीशन है, बहुत ज्यादा धूप है या फिर लाइटिंग अगर अच्छी है तो फुटेज तो आपको बेशक जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लो लाइटिंग में खींचेगा रात में कीजिएगा तो फुटेज उतना ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी एक चीज हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि इस प्राइस रेंज में इस टाइप का फुटेज यहाँ पे निकाल के देना ही ज्यादा अच्छी बात है। बाकी अल्ट्रा वाइड में स्टेबलाइजेशन किस टाइप का काम कर रहा है वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो कैमरामैन से हम थोड़ा सा मोबाइल को पकड़ लेते हैं और एक राउंड यहाँ पे हल्का सा दौड़ लेते हैं। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अल्ट्रा वाइड का स्टेबलाइजेशन जो है किस टाइप का लगा है। बाकी जहां तक बात है रियर कैमरे के बारे में कि फुटेज किस टाइप का आता है तो वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए जहां तक बात है स्टेबलाइजेशन के बारे में रियर कैमरा से, तो फुटेज आपके सामने यहाँ पे चल रहा है, हौले हौले भी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पे समझ में आया कि अगर आपको व्लॉगिंग के लिए लेना है तो भैया आपको कैसे करके चल के यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दौड़ भी जाऊँ तो यहाँ पे फिर भी ये स्मार्टफोन जो है काफी अच्छे से जो है स्टेबल फुटेज आपको निकाल के दे देगा। और जहां तक बात है डायनेमिक रेंज के बारे में, कलर वगैरह के बारे में, भैया इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 20-22 हजार रुपए के हिसाब से अगर आप देखते हो तो बहुत ही अच्छा आपको कलर प्रोड्यूस करके यहाँ पे ये स्मार्टफोन दे रहा है। इसका रियर कैमरा सच में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, खास करके वीडियोस वगैरह अगर शूट करना चाहते हो, वीडियोग्राफी के लिए कोई स्मार्टफोन खोज रहे हो तो रियर कैमरा आपका जरूर से काम करके दे देगा। लाइटिया वाला जो सेंसर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस तो दिखा दिया, अब जहां तक बात है फोटोज के बारे में, तो 25,000 रुपए के अंदर ये स्मार्टफोन आता है और उस रेंज के हिसाब से अगर आप इसके फोटो को जज करोगे तो बहुत ही ज्यादा शार्प और बहुत ही अच्छे कलर्स यहाँ पे निकाल के आपको दे देगा। मोबाइल में जब आप चेक करोगे ये सारे फोटोज तो थोड़ा सा आपको ओवर बूस्ट यहाँ पे देखने को लगता है, क्योंकि पी वॉलेट डिस्प्ले होने के कारण जो थोड़ा सा कलर थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखाता है। ओवरऑल अगर आप प्राइसिंग के हिसाब से इसको जज करोगे तो फोटोज आपको बेशक यहाँ पे पसंद आ जाएगा। लो लाइट में थोड़ा बहुत उतना अच्छा फोटोज नहीं आता, लेकिन अगर लाइटिंग अच्छी है डे लाइट में तो डे लाइट में फोटोज वगैरह बहुत अच्छा क्लिक कर पाओगे। और मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा फोटोज क्लिक किए हैं तो सभी फोटोज का मैं एक जी ड्राइव लिंक बना देता हूँ और बॉक्स में डाल देता हूँ, आप जाके एक एक फोटो को जो है यहाँ पे ओपन करके देखिएगा, जो शार्पनेस लेवल पोर्ट्रेट लेवल में भी है यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है इस प्राइस में ये स्मार्टफोन आ रहा। तो मुझे तो इसका कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बाकी आप एक बार जरूर से जो है जी ड्राइव के लिंक को चेकआउट कर लीजिए। अब देखिए अगर आपको कैमरा को स्विच करना है 1x से अगर आपको अल्ट्रा वाइड में जाना है और अल्ट्रा वाइड से अगर आपको 2x में जाना है तो यहाँ पे आप ये वाला फीचर भी इस फोन में दिया गया है, लेकिन बस शर्तें ये है कि आपको 1080p 30fps में ही जो है ये फीचर सिर्फ देखने को मिलेगा, 4K में नहीं दिया गया है, सिर्फ 1080p 30fps पे आप कैमरा को स्विच वगैरह भी कर सकते हो। और दोस्तों जहां तक बात है इसका कैमरा यूजर इंटरफेस के बारे में, क्या क्या फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जिस तरह से मोटोरोला के अदर स्मार्टफोन में इंटरफेस होता है उसी टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो का ऑप्शन दिया गया, फोटो का ऑप्शन दिया गया, स्लो मोशन, पोर्ट्रेट और प्रो मोड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। मान लीजिए आपको ऑटो फोकस चेंज करना है, वाइड बैलेंस चेंज करना है या फिर ISO वगैरह चेंज करना है तो वो सारी चीजें कर सकते हो। और यहाँ पे आप रॉ फोटो भी यहाँ पे निकाल पाओगे, रॉ प्लस JPG भी आप यहाँ पे फोटो वगैरह कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप मोर पे क्लिक करोगे, मोर में भी बहुत सारे फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि स्पॉट कलर हो गया, स्पॉट कलर वीडियो हो गया, टाइम लैप्स हो गया, ड्यूल कैप्चर मोड हो गया, फोटो बूथ हो गया, पैनोरमा हो गया, नाइट विजन हो गया। तो ये सारे फीचर्स ऑलरेडी हमने आपको कई दफा जो है यहाँ पे ऑलरेडी
ऑलरेडी बता ही रखे हैं कि भाई कौन सा फीचर का क्या क्या काम है। अगर आपको फिर भी जानना है कि कौन सा फीचर कैसे काम करता है तो एक वीडियो हमने बनाया था, उसका लिंक हम दे देंगे, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। जहां तक बात है दोस्तों ड्यूल कैप्चर मोड के बारे में, तो ये अभी जो ये शूटिंग में कर रहा हूं ये ड्यूल कैप्चर मोड से कर रहा हूं। एक तरफ फ्रंट कैमरा ऑन है और दूसरी तरफ यहां पे रियर कैमरा यहां पे ऑन है। पीछे से हमारे चाचा जी देख रहे हैं, देखने दीजिए कोई मतलब नहीं उससे, कह के हम लोग जब काम करते हैं तो काम करने में ज्यादा इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं कि आगे पीछे कौन देख रहा नहीं देख रहा उससे हम लोग कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी क्वालिटी कैसी लग रही है वो हमको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। और वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने एकदम दबा के वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, फोटोग्राफी कर लिया, हर कुछ कर लिया। अब देखते हैं कि कितना परसेंट बैटरी यहां पे ड्रेन हुआ है, कितना परसेंट यहां पे कैमरा यूज हुआ है। तो बैटरी वाले सेक्शन में बैटरी को ओपन करते हैं। 100% चार्ज था यानी कि 10% अभी ये डाउन हुआ है। और अगर हम यहां पे बैटरी यूजेज में आए तो यूजेज आप देख सकते हो कि पिछले 42 मिनट से हम लोग यहां पे कैमरा को यूज कर रहे हैं और यहां पे जो बैटरी खपत हुआ है मात्र 10% यहां पे बैटरी डाउन हुआ है। और जहां तक बात है हीटिंग प्रॉब्लम के बारे में कि अभी ये स्मार्टफोन हीट हुआ है कि नहीं, बहुत ज्यादा तो हीट हम नहीं करेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा हीट हो गया है, लेकिन हाँ अगर आप ऐसे हाथ रखते हो तो यहाँ पे आपको फील हुआ कि हाँ हल्का सा वार्म जरूर हो गया है। बाकी एक चीज मैं आपसे यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है आपको ये स्मार्टफोन में ऐसा कह रहे होंगे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे ओवर सेचुरेशन वाला कलर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ओवर सेचुरेशन वाला कलर तो है इसमें, लेकिन डबल इसलिए आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि ये पी ओलेड वाला डिस्प्ले है। पी ओलेड होने के कारण थोड़ा सा और ज्यादा ओवर सेचुरेशन वाला कलर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन इसका पीछे का ये है कि जब आप सेटिंग्स में आते हैं तो दूसरा ही जो ऑप्शन है यहाँ पे शॉर्ट ऑप्टिमाइजेशन का एक फीचर दिया गया है, इसको इनेबल करके अगर आप फोटोज वगैरह क्लिक करोगे तो हरा और भी ज्यादा हरा दिखेगा, ब्लू और भी ज्यादा ब्लू दिखेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा नेचुरल फोटो चाहिए तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको नेचुरल फोटो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ये वाला कैमरा टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जहां तक बात है मेरी बात है कि भाई हमको ये स्मार्टफोन जो है 22,000 रुपए में कैसा लगा, हमको तो फुल टू पैसा वसूल लगा। बाकी आपको कैसा लगा, क्योंकि आप भी तो पैसा अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल जरूर रखिए।